हुए हैं। ये स्थान है उद्धव क्यारी, यहीं पर गोपियों के साथ में उद्धव जी मिले थे। अभी हम लोगों का कीर्तन बंगला में बड़ा ही सुंदर सरस कीर्तन है। भावपूर्वक की कीर्तन करने से ऐसा कोई भी पत्थर तक भी नहीं होगा जो पिघल नहीं जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं, बंगला जानने वाले लोग तो कीर्तन से ही समझ गए, जो कि हिंदी जानने वाले हैं उनके लिए कीर्तन का थोड़ा सा भाव मैं बतला रहा हूँ। हमारे 6 गोस्वामी थे, रूप सनातन जी गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, ये 6 गोस्वामी थे। उसमें से ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने ये पद लिखा, कभी राधा कुंड में हा राधे हा राधे हा राधे कर। कभी श्याम कुंड में उनकी हृदयेश्वरी आराध्या देवी राधिका थी, वो तो कहते हैं कि मुझे ब्रजवास से कोई लाभ नहीं, हमें राधा कुंड में रहने से भी कोई लाभ नहीं, हमें कृष्ण से भी कोई जरूरत नहीं है यदि राधा जी की कृपा नहीं हो गई। आशा भरई अमृत सिंधु मयी कथनचित काल उमयाति गणिता क्लेशान्वितम् हि त्वञ्चेत् कृपा मयी विधास्यसि नैव किञ्चित् प्राणे ब्रजेन बरोर बकारिणापि। कृष्ण से मुझे जरूरत है, कृष्ण संग हमारे कोनो दरकार नहीं। राधा कुंड थे के लाभ की, वृंदा बने तमर थे के लाभ की, यदि राधा रानी कृपा न होलो एजन कखनो राधा कुंड कखनो गोवर्धन कखनो नंदगांव कखनो ए स्थान ते गड़ागड़ी दी थे, पागल होकर के मत तो करके कभी यहाँ लौटते थे कभी वहां लौटते थे, खाना पीना सब कुछ भूल गए। अब राधे प्रेममयी कोथाए गो राधे कोथाए गो राधे यही सब बोलते थे। उन लोगों का जीवन चरित्र ही राधे जीवन चरित्र कृष्ण प्रेमे थे, राधा रानी भावे थे विभोर, कोथा आत्मा के मी पावो यही भावे थे। कीर्तन करते हैं ये कीर्तन उन्होंने किया, कीर्तन में वर्णन किया जी कभी गोसाई राधे राधे नाम उच्चारण करने के लिए रा रा कह करते बस बाद में मूर्छित हो गया, धा शब्द उनसे निकलता नहीं था और जमीन में लौटने को लगते थे। ये स्थान में भी आए रूप सनातन जी, आए रघुनाथ दास गोस्वामी लोग, आए चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आए, नित्यानंद प्रभु जी इस स्थान में आए, यहाँ की चरण रज अपने सिर पर रखा। वृंदावन में इस स्थान का एक विशेष महत्व है, यही वृंदावन एक विशेष तार महीना, यही तो बुझते पर खाने के आस पे कौन आएगा यहाँ इस जंगल में। कृष्ण के समय में भी यहाँ पर कौन आता, उद्धव जी तक नहीं देख सके इस वन को, और अब कोई भी ब्रजवासी लोग नंदगांव के भी इसमें नहीं आते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था ये सब कुंज। आज से हम लोग पहले 40 वर्ष पहले गुरु जी के साथ इस वन में आए, और उस समय में यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे कदम्ब के वृक्ष क्यारियां लगी हुई थी, क्यारी को तो बोली छिलो सब हजार हजार वन ये कदम्ब के वृक्ष, उनके फूलों से सुगंध से भरपूर हो जाता था। इसमें मयूर नाचते थे, कोकिल बोलती थी इसमें, धीरे धीरे अब देख रहे हैं कलयुग है, उनके बदले में ये सब बबूरों का पेड़ बन गया, बावला वृक्ष बनेगा, सब गाछ कुल अंतर्ध्यान हो गए, कोने कोने साधु संतरा अंतर्ध्यान हो आश्चे। बहुत कम अब साधु संत लोग विशेष करके इस भाव वाले इस ब्रज में भी यार कहीं भी है, बहुत कम है, हैं किंतु बहुत कम है। इसी जगह में कल मैं बतला रहा था शाम को विकाल बेला में एकम करी कथा बोलते छिलम, श्रीमती राधिका जी यहीं कमल के सेज पर, कमल फूलों की सेज पर सोई हुई हैं, कमल पुष्प सजाते सोया थी, और चंदन में कस्तूरी मिला दी गई, और जो जलता है कर्पूर इत्यादि दे दी, और शीतल सुशीतल बन गया,
राधा जी के अंगों में लगा दिया, कंचन पुतलिका है, मैंने सोना जने जरखम गोलिये दे और मने तो खूब पतला सुख बिछाना ऊपर सुया छे कमल पुष्प गुली कबरे थे चुरमार हो गल चंदन गुनिया कबरे थे सुखे गल दूर थी के ओई दिख दिए उद्धव के गोपी गण एक खने ते प्रवेश कराई प्राण आछे कि ना आछे जाने सेई समय ते ताके निकटे बसिए दिलो सब गोपीगण इनी भाव नेत्रे ते दर्शन करछेन कृष्णचंद्र के मथुराते आछेन की करछेन आमादर के ते छेड़े गिए छे आर ओखने जदुरमणिगण के निये लीला इत्यादि विलास करछेन एई संगम ध्यान्ति संगमम कृष्णर एई संगठा दर्शन कर तार महाभिमान हो गल ओई समय ते एकटा भ्रमर एखाने आसलो श्रीमती राधिकार पाद पद्म के कमल ज्ञान कर दिया तार काछे गुंजार करते लागे मने ये कमल फूल तार मध्ये प्रवेश करे जाई सेई समय ते ओई महामाननी महाभावेते अभिभूत मदनक्ष भाव संग युक्त श्रीमती राधिका चोख बंद कर दिए चोख थेके जल पड़छे अल्प आर तिनी बोलछेन दूत मत पकितव बंधो मास विसांगी शपत्ने मधुप तुमी मधुपान करे दिए मधुपुरी थीके मधुपतिर ओखाने ते आर तुमी एखाने एसेछो मधुपुरी कोथाय जेखाने मधु माने मद मद तैयारी होय से होच्छे मधुपुरी आर ओई मालिक के दोकाने मधुपति माने कृष्ण सोईखाने थेके तुमी आसछो तुमाके पाठिएछे तुमी मद्यप नीतिटीति जानो ना कार काछे किभावे ते जानते हय पागल रा बुझे ना तो ओई रकम हय तो ओ जे रकम कृष्ण तार दूतो सेई रकम तुमी तो जे आमी स्वामिनी आमी की भूल करेछि आमी मत तो कोनदिन छुई ना मिथ्यावादी तो प्रभु एरकम मिथ्या कथा बोले आ तुमियो एरकम मिथ्या कथा बोलछिस आमी कि जानी ना जे तुम मत खेसे छिस तुम्हार चेहरा बोलछे तुम्हार चोख बोलछे तुम्हार भाव भंगिमा बोलछे कि बोलछे तुमी मत खेसिस प्रभु आमाके स्वामिनी एरकम बोलबेन ना आमी मत तो छुई नाई कोनदिन जानि अच्छा बोलतो तुम्हार गोफेते এই লাল লাল কুমকুম কোথা থেকে আসলো বলতে পারিস যে কই আমার তো কুমকুম তো নাই এই যে তো লাল আর হলুদ মিশিয়ে তোমার এখানে এসেছে বলি আমি যে তুমি জানো যে কি আমি বলে দি এই আমাদের সৌতগণ আছেন বৃন্দাবনেতে মথুরাতে সৌত মানে কি আমারই সঁতে হ্যাঁ ওহা বাংলাতে কি বলে সতী और एक पति की दो पत्नियां होती हैं तो परस्पर उसको क्या कहते हैं सौत कहते हैं इधर भी तो सौत हमारी सौतिनों का वहां से वो अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाती हैं और कृष्ण ने उनका आलिंगन किया और वो कुमकुम माला में लग गया और तू उसी पर बैठा और बैठ करके अपने गुल्फों में लगा लिया गुल्फों में और उसको लेकर के हमारे मनाने के लिए आया है इसे देख करके तो हमें और मान हो जाता है चले जाओ नहीं हमने ऐसा दोष नहीं किया आप हमें क्षमा कर दीजिए हमारा कुछ भी दोष नहीं है दोष की बात नहीं कहती तुम तो मद्यप है ना मार पी करके आया मथुरा में जाओ अरे इन्होंने तो हमको भेज दिया थे जाओ जाओ उनसे कहना अपने प्रभु से अपना प्रभु निकट है बोल जा मथुरा तो बहु सम्मानिनी में आछे रमणीगण लख लख যদি এক এক দিন এক এক রমণীগণের মান ভঙ্গ করে তাহলে তাহার বছর বছর বিতে যায় আর তুমি ওখানে যে যখন ওরা প্রসন্ন হবে তোমাকে প্রচুর মাত্রাতে কিছু দিবে এখানে আমাদের নিকটে তাহার এই সবগুলি বর্ণন করে আমার কি লাভ হবে তুমি চলে তথাপি যায় না মন মন করছে আচ্ছা পশু হয় চার পায়ে মানুষ হয় দুই পায়ে আর পশু হয় চার পায়ে पशु चार पैर का होता है मनुष्य दो पैर का और यदि छह पैर का यदि कोई जानवर हो गया तो वो कैसा होगा पशु सभी मूर्ख तो तुम ही छह पदे और आप भ्रमर हो छठ पदे तुम ही छह पदे
অত তুমি মূর্খের মূর্খ মনে হয়। তুমি যা মথুরাতে ওখানে পাবে, এখানে কি পাবে? আমরা কাঙ্গালিনি, দেবার কিছু নাই। ওখানে তারা রাজরানী সবগুলি, এক এক থেকে এক একটি পটরানী, ওখানে তুমি যা চাইবে সবগুলি দিবে। আমার প্রভু আপনি নিন্দা কেন করছেন? আমি নিন্দা আমি করছি? আমি সত্যি সত্যি বলি, আমরা তার তাকে দেখতে চাই নাই, তার সঙ্গে প্রীতিও করতে যাই নাই। জোর করে প্রীতি করি এলে যেরকম হবে, যেখানে কমল পুষ্প থাকে কি কোন পুষ্প থাকে, ভ্রমর ওখানে যায় মধু পান করলো, অন্য পুষ্পেতে চলে যাবে, আবার অন্য পুষ্পে। এদের কারোর সঙ্গে মিত্রতা হয় নাই, তোমার প্রভুরও তাই। আমাদের সঙ্গে কারো তার মিত্রতা বন্ধুত্ব নাই, তার এই স্বভাব। আজকে এক লোকের সঙ্গে প্রীতি, কালকে অন্য লোকের সঙ্গে প্রীতি, আমার আর তার সেই রকম প্রীতি চাই না। তুমি চলে যাও সামনে, এরকম হয় আপনি নিন্দা তাহারকে করছেন। তার তো কোনো দোষ নাই, তিনি তো আমাদের আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছেতে। তোমার প্রভুর কতগুলি কথা বলবো, এই জন্মে নয়, শুনি যে তিনি ভগবান। আমরা কালো লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রীতি নাই, পূর্বপূর্ব জন্মেতে শুনি যে সে একটি রাম রাজা ছিল, সেটি তোমার মতনই কালো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি এক পতিব্রতধারী, মানে একটি মাত্র এক পত্নী পত্নীর সঙ্গে আমি থাকি, আর কোন পতি করি। কিন্তু এইরকম হয় কামি যে বনে গিয়েছে, বনে থাকে নিয়ে গেছে তার পত্নীকে, এমন এমন কেউ করে না, পত্নীকে ঘরে রেখে দেয়, ভালো করে থাকে। সে বেটা মানে নাই, চল তুমি বনেতে, বনে নিয়ে গেল। আবার সেই পত্নীকে প্রসন্ন করাইবার জন্য চব্বিশ ঘন্টা তার সঙ্গে থাকে। ইতিমধ্যে রামনের বোন পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করে, আর তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে গেছে, বলে যে আমি আপনাকে এই শরীর সমর্পণ করলাম, তোমাকে আমি পতিরূপে বরণ করছি। তখন সে কি বলল, আমার ছোট ভাই বিবাহ হয় নাই, সেটি মিথ্যা। লক্ষণ তখন বিবাহ হয়ে গেছে, লক্ষণের বিবাহ কি বানিয়ে, তার তুমি তার কাছে যাও, আমার তো এই সঙ্গে স্ত্রী আছে। লক্ষণ কাছে গেল, লক্ষণ বলছে আমি তো দাস, তাহলে তুমি কি দাসী হতে চাও না রাজরানী? তাহলে রাজরানী যদি হতে চাও, তাহলে আমার বড় ভাই দাদা আছেন, আমার বাবা 360 মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন, তো ইনি দুটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করলে কি ক্ষতি, তুমি যাও তাহার নিকট। তাই তো মনে করলো সরল ভাবেতে, মেয়েটি সরল ছিল। তারপরে ওখানে আবার সে গেল রামের কাছে, রাম বলেন যে সে তোমাকে ঠাগাচ্ছে, তুমি তার কাছেই যাও। আবার তার কাছে গেল, সে আবার ফের রামের কাছে পাঠাচ্ছে, তখন তার হয়ে গেল রাগ। তখন সেটি কি করলো, বলে যে এই মেয়েটি হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, এই মেয়েটাকে যদি আমি খেয়ে ফেলি, তাহলে আর দুজনই আমার সঙ্গে বিবাহ করবে। তখন যে সীতাকে ধরতে গেল, রামচন্দ্র ইশারা করে দেন তার নাক আর কানটা কেটে দিল, এটা তার কার্তিক ছিল তাহার। আরে কামি পুরুষ, আবার ওই স্ত্রীর জন্য আবার ওর নাক কান কেটে দিল, নাক কাটলে বুঝিয়ে দিত যে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ করবো না। নাক কানটা কেন কাটলো, এমন নিষ্ঠুর যে আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কেউ বিবাহ করবে না, এমন কুরূপ করে দিল। ওই তো আর বানর কেউ খায় না, বানর কেউ খায় না মেরে দিয়ে। বানর মানে নরের মতন, তাহার ওদের মানুষ মানুষের মতন, তার কেউ শিকার করে না। আর ওই কালো পুরুষ কপটি ধূর্ত, সেটি কি করলো, বালিকে বিনা কারণে বধ করলো, আর গাছের আড়াল দিয়ে তাকে মারলো বান। সে কি দোষ করেছিল? আরে সেই দোষ তো করেছিল সুগ্রীব, সেই দোষ করেছিল বিভীষণ, তা তাহারকে মারলো না, আর একে মেরে ফেললো বানরকে একটা, এটা তো উচিত হয় নাই।
আর জানো কি এই কালো শুনি একবার বামন দেব হয়েছিল মহা ধূর্ত ধূর্তের শিরোমণি বামন ছিল বড় আর রূপ ধারণ করলো ছোট বামন আঙ্গুলে বলিকে ঠগিয়ে নিল কিরকম ঠগিয়ে নিল যেরকম একটা ঝুড়িতে কেউ মালপুয়া টোকরি নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি আর কাগরা সেইগুলি খায় আর ঠুকরায় যে নিয়ে যায় তাকে এইরকম হয় এউটি কি করে সে তার কাছে সব রাজ্য নিয়ে নিল সব কিছু নিয়ে নিল তাকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিল আর তাহারকে বাঁধে কি নাগ পাশেতে বেঁধে ব্রহ্মাস্ত্রে বেঁধে দিয়ে আর সেখানে ফেলে দিল ওই তো ব্রহ্মা আর প্রহ্লাদ মহারাজ এসে তাকে ছাড়িয়ে দিল এমনই সে তীর্থ আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না তুমি যাও কালোর সঙ্গে আর কোনো আমাদের সম্বন্ধ নাই তখন বলছে ভ্রমর মানব রাধিকা রানী ভাব নেত্রেতে বুঝছেন তখন তিনি বলছেন কর দিয়া কৃষ্ণ তো এসে নেই হ্যাঁ তো উনকা চরিত্র ভি কহনা ছোড় দো উনকা নাম ভি ভুল যাও উনকি বাত মত মন মে লাও তো ইয়াহি তো হম লোগ নহীঁ কর পাতে হম চাহতে হ্যায় কি উস ঘাট কে তরফ মে নহীঁ দেখেন জিস পর ও জাতা হ্যায় যমুনা কে কিনারে হমারি নাক উসকে গন্ধ লেনে কে লিয়ে সব সময় রহতি হমারা মন সবই উনহীঁ কি চিন্তা করতা হ্যায় এক বার ভি কিন্তু হম জানতি হ্যায় এক বার ভি উসকা যদি কান মে নাম পড় যায় উসকি লীলা কথা কান মে পড় যায় তো আদমি কেসা বন জাতা হ্যায় স্ত্রী পুত্র পরিবার সবকা স্নেহ মোহ মায়া মমতা কথা কর আপ লোক ইহা পর কিস লিয়ে জঙ্গল মে ধুল ফাঁকনে কে লিয়ে আই ক্যা জরুরত হ্যায় আপ লোগো কো ইহা আনে কি রুপিয়া ভি খরচ করতে হ্যায় রোনে কে লিয়ে আতা কোই রোনে কে লিয়ে রুপিয়া খরচ করতা হ্যায় ক্যা জরুরত হ্যায় কোই আমেরিকা সে আ গয়া কোই ইংল্যান্ড সে আ গয়া কোই কহাঁ সে আ গয়া কিস লিয়ে ইয়ে বেচারো দেখো তো ইংল্যান্ড সে আ গয়া ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া ও ভি ইংল্যান্ড সে আ গয়া কোই অর ভি আয়ে হুয়ে হ্যায় কই বঙ্গাল সে আয়া কই পুতা কিস লিয়ে ক্যা জরুরত হ্যায় ইহা পর ধুল কে আতরি পানি খারি অর অর বলি সারি বলি সারি গালি গালি গলো কি গালিয়া লঠ ধার কে বলতে হ্যায় সব লোক ইহা আনে কি ক্যা জরুরত পেসে গোপিয়া কহতি হ্যায় এক বার যদি কানো মে নাম পড় গয়া তো ঘর সে বহুয়ে নিকল জায়েঙ্গি আচ্ছে আচ্ছে লড়কে সব আপনি পত্নী অর পুত্র অর সবকো ছোড় করকে নিকল আতে হ্যায় और भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते अपने भी रोते हैं इसलिए हम लोग पहले नहीं समझी अब समझ रही आप कुछ छोड़ चाहने से भी ये छोड़ दूं नहीं छूटता है वो ना फिर गोपियों को कुछ अनुसंधान राधा जी को हुआ मैंने इनको बहुत उत्कारा बहुत कुछ गाली गलौज भी दी किंतु उनका समाचार कुशल पूछा नहीं तब फिर पूछते हैं अभी वह तो मधुपुर या आर्य पुत्र उधुनास्ते आर्य पुत्र हमारे गुरुकुल से पढ़ करके आ गए कहाँ पर हैं ओहो क्या कभी भी स्मरति सती त्रिज्ञा अपने सखाओं को कुछ सोचते हैं जो हमारे सखा लोग सुधाम सुबल कहाँ है हमारी सबली कालिंदी धवली ये सब गायें कहाँ हैं कभी सोचते हैं उनके बछड़े कहाँ हैं नंद बाबा जसोदा मैया अंधी हो गई कि क्या हो गया सभी आदमी सबको भूल सकता है हमसे तो उनकी कोई शादी नहीं हम लोग तो उनसे कोई संबंध नहीं थी अरे नंद बाबा पिता और मैया इनको तो कोई भूल नहीं सकता ताके क्यों भूलते इसे ताके भूल ही थे स्मृत सपितृगिहान बंधुश्च गोपान भुजम अगुरु मूर्धन तो क्या दशास्त्र में कृपण कहते हैं कि ओहो अच्छा कृष्ण कभी भी भूल करके भी हमारा स्मरण करते हैं क्या स्मरण करते हैं यहाँ की मथुरा निवासियां रमणियां इतनी सुंदर रसोई बना करके हमें खिलाती हैं आरोगती हैं मत वहाँ वृंदावन वाली की तो ग्वालियर एकदम जानती ही नहीं कभी इस रूप में भी कहते हैं हमारी सज्जा गोपियां जैसी सुंदर बनाती थी ये लोग उतना कर नहीं पाती हैं इस रूप में प्रशंसा भी करते हैं कभी कभी हम उनके साथ मिले तो उसकी चर्चा कभी चलाती हैं चलाते हैं वो कृष्ण ओह अपने अत्यंत सुगंधित अग्रु जैसे सुगंधित अपने हस्तमल को हमारे सिर पर वो कब रखेंगे ऐसा कहते 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 वो फिर मूर्छित हो गई अब फिर उठी नहीं उद्धव जी भाव में देख करके तन्मय हो गए तब वो कहते हैं
आशाम हो चरण रेणी जुषाम हम श्याम वृंदावने किम बुलमलताओ सखी नाम जह दुस्सजन स्वजन आर्ज फसंत हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं चरण। कहते हैं आशाम हो चरण रेणी जुषाम हो, हमारा परम सौभाग्य जीवन का होगा, हमारे जीवन में परम सौभाग्य हो यदि यही वृंदावने विशेष करे यही स्थान उद्धव क्यारी एक धूलिकाना आमी यदि होते पारी कोथाकार यही ब्रजेर यही स्थान उद्धव तो थाकें तिनी मथुराते बोलते से एखानकार धूलिकनार अभिमान जे कृष्ण मार से वही कृष्ण के ब्रजेंद्र नंदन गोपिका कांत से राधा कांत उनार प्रति हमारा अभिमान की एक तो हो जा से कृष्ण अमार अमार जनो यही अभिमान हो किसे हो वैष्णव पद धूलि आर भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भुक्त भक्त शेष यही तीन साधन बल। हमारे साधन में तीन चीजें बड़ी बलवान है जो हमको भगवान की तरफ ले जा सकते, गुरु और वैष्णव की चरण की धूलि चरणेर धूलि आर चरण धौत जल चरणामृत वैष्णव गणेर भगवान चरणामृत ठीक है वो भक्त गणेर जल पद धौ विशेष प्रभावकारी बलकारी आर भुक्त भक्त भक्त भुक्त शेष वैष्णव के मुख से उशिष्ट गुरु जी के मुख से जो उशिष्ट है उशिष्ट दो प्रकार का कथामृत और महाप्रसाद, ये तीनों चीजों का किसी प्रकार से संग हो जाए तनिक भी संग हो जाए तो जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा, हमारा वही प्रेम डाल देते पारी। उद्धव बोलते जैसे आर तो कुछ संभव हो ना, यदि गोपी गण पद धूलि यदि हमारे मस्तक यदि पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आर बोलते वंदे नंद ब्रज स्त्री नांग पाद अभिक्ष जासांग हरि कथोद गीत पूर्णात भुवन गोपी गणेर लक्ष कोटी गोपीगण तादर एक टी गोपी एक टी चरणे एक टी धूलि के यदि आमी वंदना करते पारी ताहले हमार जीवन सार्थक हो जाए, एक टी धूलि कणा के आमी वंदना करते गोपियों की चरण लाखों लाखों गोपियों की चरण धूलि में से एक गोपी की एक चरण धूलि की यदि मैं वंदना कर सकूं तो हमको गोपी भाव आ सकता है, इसका अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जिनकी कथा विश्व ब्रह्मांड को एक सेकंड में पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है ऐसे उनकी चरण धूलि है गोपियों की चरण धूलि, ऐसे गोपियों की चरण धूलि की मैं वंदना करता हूँ। ये गोपियां हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, यह धाम हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, आप सब लोगों के ऊपर में यह धाम कृपा करें और उनकी वंदना करने वाले उद्धव जी भी हम लोगों पर यहाँ पर कृपा करें जिसके नाम से उद्धव प्यारी है, हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए और हमारी परिक्रमा का आने का सफल हमारा जीवन हो। यदि एक भाव यहाँ से एक बिंदु लेकर गए हमारा एक खनकार एक भाव बिंदु यदि कना लेते पारी जीवन सार्थक हो जाए। अन्य संप्रदाय लोग एखने आसन में अन्य कोई संप्रदाय का लोग उनसे अलक्षित ये सब स्थान है महाप्रभावशाली और जगत के श्रेष्ठ स्थान है, ये सब ब्रज में भी श्रेष्ठ स्थान है। महाप्रभु इसी भी प्रलम्ब रस का आस्वादन करने के लिए जगत में आए थे और यहाँ आकर के दिन रात रोते रोते बेहाल हो जाते थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से स्थान में आते थे, ऐसे देव दुर्लभ परम दुर्लभ स्थान में हम लोग आए हैं, यहाँ की चरण धूरी अपने सिर पर लेकर के हम लोग क्रमशः चलेंगे। আমরা বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করছি, আমি ধাম বাসী গণে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার দেশ, ওরে বৈষ্ণব চরণ রেণু গায়ে মাখি ধরিয় বধূত বেশ, এবার ব্রজের পথে পথে চল গৌর হরি